नमस्कार दोस्तों, जो लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है। मोबाइल पर अधिक समय बिताने से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। कई शोध इस बात को पुख्ता कर चुके हैं कि मोबाइल और उसके टावर से निकलने वाली रेडिएशन पुरुषों में स्पर्म काउंट कम करती है और महिलाओं में प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी को कम कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोबाइल रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर का भी खतरा हो सकता है। क्या कहते हैं रिसर्च? लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। रिसर्च कहते हैं कि मोबाइल रेडिएशन से लंबे समय तक के बाद प्रजनन क्षमता में कमी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और मिसकैरेज की आशंका भी हो सकती है। दरअसल हमारे शरीर में 70% पानी है, दिमाग में भी 90% तक पानी होता है। ये पानी धीरे धीरे बॉडी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है और आगे जाकर सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल से कैंसर तक होने की आशंका हो सकती है। इंटरफोन स्टडी में कहा गया है कि हर दिन आधे घंटे या उससे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 8-10 साल में ब्रेन ट्यूमर की आशंका 200-400% बढ़ जाती है। 24 मिनट से ज़्यादा है खतरनाक। रिसर्च के अनुसार 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सेहत के लिहाज से ठीक है, क्योंकि ये अहम है कि आपके मोबाइल की SAR वैल्यू क्या है। ज़्यादा SAR वैल्यू के फ़ोन पर कम देर तक बात करना और कम SAR वैल्यू वाले फ़ोन पर ज़्यादा लंबे समय तक बात करना नुकसानदेह है। लंबे वक्त तक बातचीत के लिए लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल रेडिएशन से बचने का आसान तरीका है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑफिस या घर में लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करें, कॉर्डलेस फ़ोन के इस्तेमाल से बचें। पर्यावरण पर भी असर। केरल में की गई एक रिसर्च के अनुसार सेल फोन टावरों से होने वाले रेडिएशन से मधुमक्खियों की कमर्शियल पॉपुलेशन 60% तक गिर गई है। सेल फोन टावरों के पास जिन गोराइयों ने अंडे दिए 30 दिन के बाद उनमें से भी बच्चे नहीं निकले, जबकि आमतौर पर इस काम में 10-14 दिन लगते हैं। WHO की एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर आए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।